दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही पूरे देश में मानो जैसे जश्न का माहौल शुरू हो गया। सीवान के युवाओं ने भी सीवान के जेपी चौक पर आम आदमी पार्टी की जीत पर पटाखे छोड़े और मिठाइयां बांटी। वहीं इस मौके पर युवाओं ने बताया कि जहां एक तरफ बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही थी, वहीं दूसरे तरफ दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को जिताकर यह संदेश दे दिया कि नफरत पे मोहब्बत भारी रहेगी। पाकिस्तान जीत गया और पाकिस्तान हार गया। हम लोग आम आदमी पार्टी के फुल बहुमत के साथ दिल्ली में हम लोग जीत हासिल किए हैं। इसके लिए क्या लग रहा है कपिल मिश्रा? पहले तो हम दिल्ली वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं कि बहुत सूझबूझ के साथ जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर जो दुकान चलाते थे, मंदिर मस्जिद के नाम पर जो शाहीन बाग पे हर बात हर सवाल में शाहीन बाग और शाहीन बाग पर करंट लगाने का बात करते थे, उनको तो ऐसे करंट लगी कि कहाँ गए अभी पता ही नहीं चल रहा है। टीवी पर कोई नजर ही नहीं आ रहा है। करंट तो ऐसा लगा है कि सबका खड़ा हो गया है। कहाँ करंट लगा उनसे पूछना पड़ेगा, कहाँ करंट लगा है। उनका दाल नहीं गला, शाहीन बाग करने वाले का दाल नहीं गला। यहाँ हमारे संविधान पे जो चलने वाले हैं और जो भारत को मानने वाले हैं, पूरा भारत का जीत हुआ है, पाकिस्तान का हार हुआ। जो पाकिस्तान के नाम पर अपना दुकान चलाते हैं उनकी हार हुई है। कपिल मिश्रा जी कह रहे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच जो खुद आ गए, क्या कहिएगा? तो हिंदुस्तान वो अपने आप को पाकिस्तानी मानते हैं, इसलिए हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच बोल रहे हैं। इसलिए कि पाकिस्तान तो हार गया है, हिंदुस्तान जीत गया, तो ऑलरेडी पाकिस्तानी है। और पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी है वही पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खा रहा है, पाकिस्तान के नाम पर सबको डरा धमका रहा है। क्या कहिएगा, बोलिए। ये जीत दिल्ली ही की नहीं बल्कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जीत है, बल्कि न कि 10-15 पाकिस्तानियों की। जिस तरह शाहीन बाग को ट्रोल किया गया, बोला गया कि पाकिस्तानियों का इलाका है, वहाँ पर 1,00,000 से ज़्यादा मतों से हिंदुस्तानी उम्मीदवार जीत गया और पाकिस्तानी उम्मीदवार की हार हुई। जो बार बार पाकिस्तान के नाम लेकर पाकिस्तान में जाते हैं बिरयानी खाने और वही नमक आकर नमक अदा करते हैं हिंदुस्तान में आकर बार बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं, जबकि पाकिस्तान की बुरी तौर पर हार हुई और हिंदुस्तान की जीत हुई है।